परदेसी भाइयों के पाकिस्तानी वर्षा ज़रूर सुने। सऊदी अरब में मोबाइल टावर पर काम करते हुए पाकिस्तानी भाई का सर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। टावर के साथ सर टकराने की वजह से सर में शदीद चोटें आईं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो अब खैरियत से हैं। परदेसी भाइयों के घर वालों से गुजारिश है, जहाँ तक हो सके अपने परदेसी प्यारों को पाकिस्तान और अपने घर की छोटी बड़ी परेशानियों से दूर रखा करें, ताकि ज़हनी दबाव और परेशानी से कहीं खुदा ना खास्ता आपके किसी अजीज़ के साथ ऐसा हादसा ना पेश आ जाए। एक तो परदेस की ज़िंदगी सख्त, दूसरा अपने माँ बाप और बीवी बच्चों और बहन भाइयों और अपने वतन से दूरी परदेसियों को अंदर ही अंदर खाए जाती है। तन्हाई, परदेस और जुल्म से भरी जेल की ज़िंदगी कोई भी शौक से बसर नहीं करता, उसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर होती है। सबसे ज़्यादा कुर्बानी परदेसी भाई देते हैं, अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए और इस मुल्क के लिए। लिहाजा मेरी परदेसी भाइयों के तमाम घर वालों से भरपूर अपील है कि अपने प्यारों की कुर्बानियों की कदर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक तमाम परदेसी भाइयों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। आमीन।